समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातील महागठबंधनचा तिढा अखेर सुटला आहे. सपा आणि काँग्रेसमध्ये अखेर आघाडी झाली आहे. नव्या फॉर्म्युल्यानुसार काँग्रेसला 105 जागा देण्यावर सपाने सहमती दर्शवली आहे. महागठबंधनच्या घोषणेनंतर लखनौमध्ये सपानी आज निवडणूक जाहीरनामा जाहीर केला. यावेळी अखिलेश यादव यांनी लखनौसोबतच आग्रा, कानपूर आणि वाराणसीमध्ये देखील मेट्रो आणणार असल्याची घोषणा केली. आने वाले समय में समाजवादियों ने तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को 1000 की मानसिक पेंशन देने का काम होगा. गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर ताकि वे कम समय में खाना बना सकें. कानपुर, मेरठ, वाराणसी में भी मेट्रो. समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ साथ बुंदेलखंड को तराई और लखनऊ को नेपाल बॉर्डर से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे. समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन तीनों पार्टियों में अलग अलग कुछ नहीं है. भारतीय जनता पार्टी सदैव मान के चलती है कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक होकर के लड़ेंगे, लेकिन विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी क्योंकि जनता भाजपा के साथ है. सपा बहुत घबराई हुई है क्योंकि उन्होंने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किया कुछ नहीं है, पाना बहुत कुछ चाहते हैं. जनता इनसे बहुत नाराज है. जिस दिन चुनाव का मौका आएगा, वोट देने का मौका आएगा, जनता इनको 5 साल में जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जो गुंडागर्दी बढ़ी है, जो अपराध बढ़ा है, इसका जनता बदला लेना चाहती है. और ये कोई गठबंधन लेकर के आवे, चाहे अकेले अकेले आवे, चाहे बिना गठबंधन किए आवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.